तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से, और आज हमारे पास आई है टाटा की टाइगर गाड़ी और इसका क्वार्टर पैनल और ये डोर, ये दो पैनल हमने करने हैं पेंट और बाकी का जो थोड़ा बहुत है हिस्सा वो हमें सूखा करना है। जैसे बम्पर का एक किनारा है ये इधर से बैंड हो रखा है, इसको सीधा करेंगे बिना पेंट करे, और फ्रंट साइड का जो बम्पर का कोना है अक्सर टाटा की गाड़ी में ये ज़्यादा होता है, और इधर से गाड़ी जब लग जाती है तो ये हिस्सा पीछे चला जाता है जो इसके अंदर की लोहे की सपोर्ट होती है, और बम्पर यहाँ से इस तरीके से हो जाता है बैंड। तो अब हम इसको खोलेंगे, इसको सीधा करेंगे और साथ में दिखाएंगे आपको डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। और जिनकी ये गाड़ी है, इन भैया ने हमारी वीडियो देखी थी और टाटा की ही वीडियो देखी थी जो हमने टाटा की टाइगर जो करी थी, तो फिर मैंने भैया को बताया, जिन भैया की वो गाड़ी थी वो काफ़ी काम को बारीकी से देख रहे थे और रात को वो लगे हुए थे पार्टी करने में, और हम मेहनत से काम कर रहे थे उनकी गाड़ी का, और फिर रात को हमने 8-9 बजे करीब उनकी गाड़ी हमने करके दी थी। तब तो उस गाड़ी को देख के भैया की ये गाड़ी आई है, इस कलर की गाड़ी भी हमने पहले पेंट कर रखी है, लेकिन आज भैया की गाड़ी का काम करेंगे और इनको दिखाएंगे इनका काम कि हम किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब दिखाते हैं आपको इसका डेंटिंग का प्रोसेस। तो गाइज डेंटिंग इसके अंदर चालू हो गई थी, और डेंट निकालने के लिए कई लोग जो है फ्रंट की साइड से पेच मार के बाहर निकाल लेते हैं, मारते हम भी अक्सर हैं जब कभी लगता है कि अब चारों तरफ से कहीं जगह नहीं है, लेकिन इसके अंदर नीचे से हमने होल किया, होल करके फिर हमने इसकी डेंटिंग कर ली है, और अब डेंटिंग के बाद अब इसमें ब्लेड मारा जाएगा और फिर लगेगा प्रोसेस पेंटिंग का चालू, तो उसमें राजा लगेगा। तो फिलहाल ये क्वार्टर पैनल डेंटिंग का था, और उसके बाद अभी डोर के अंदर भी जो है डेंटिंग हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी देखते हैं जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको डेंटिंग से पहले। जैसे कि मैंने बताया आपको कई बार वीडियो में कि डोर खोला जाता है, और इसका भी गत्ता हमने खोल दिया है, और पीछे इसके अंदर भी टाटा वाले जो फोम देते हैं जिसको हम बताते हैं कि एक दो बार में बाहर निकालने के बाद में फिर ये फट जाती है। तो अब इसके बाद जो है इस साइड की डेंटिंग करी जाएगी जैसे पीछे क्वार्टर पैनल की करी है, और जो इसमें डेंट हैं ये छोटे छोटे ये सारे बाहर आ जाएंगे, और डेंटिंग का काम कम है लेकिन पेंटिंग की पूरी मेहनत लगनी है इसके अंदर। और राजा ने हमारे पेंट का ऑर्डर भी कर दिया है, और पेंट इसके अंदर हम 2 साल की गारंटी वाला कर रहे हैं जिसके भैया से हम 4,000 रुपये ले रहे हैं 2 पैनल के, और प्लस साथ में अगला बम्पर भी लगा हुआ है, तो उसके पैसे हमने इसमें ऐड कर दिए। तो बाकी जो है डेंटिंग होती है तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और ये सारा काम आप देख रहे हो बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर, पहले आपकी शॉप फिर हमारी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो गाइस डेंटिंग का प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो चुका है, इधर से क्वार्टर पैनल के ऊपर जो डेंट निकाला था उसमें ब्लेड वगैरह मार दिया, और इधर से जो डोर का डेंट निकला था इसके ऊपर भी ब्लेड वगैरह मार दिया, और अब लग चुका है हमारा राजा अपना पेंटिंग के काम की शुरुआत करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको दिखाता रहूँगा और बार बार आता रहूँगा, तो अब जैसे जैसे इसके अंदर बॉडी पिलर पट्टी का जो जो काम होगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है टाटा टैगो, गाड़ी के अंदर बॉडी पिलर की शुरुआत हो गई है पेंटिंग की। पहले आपको दिखाया था मैंने कि किस तरीके से हमने जो ब्लेड मारा था उसके ऊपर रेगमाल मारा, और फिर उसके बाद बॉडी पिलर भरा जा रहा है। तो ये वही बॉडी पिलर है जिसको हम अपना जब भी किसी गाड़ी को डेंट पेंट करते हैं उसके अंदर भरते हैं, और फिर ये सूखने के बाद पत्थर की तरीके से हो जाता है। तो अभी इसको भरा जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद इसको थोड़ा सूखने का टाइम दिया जाएगा, फिर इसकी कटाई करी जाएगी, और देखते ही देखते फिर इस पर पट्टी अस्तर और सारे स्टेप जो जो होते हैं सारे क्लियर करे जाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहाँ तक पहुँची है, और इसका आगे का सिस्टम भी दिखाएंगे, तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी है टाटा की टाइगर और ब्लू कलर में, हमने इस गाड़ी के अंदर भरा था, उसकी कटाई का काम भी चालू हो चुका है। तो पहले थोड़ा सूखा काटा, फिर उसके बाद गीला काटा जा रहा है, और बाकी पूरे पैनल के ऊपर इसके ऊपर रफ मारा जाएगा। रफ मारने का मतलब वही होता है जो मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि रफ अगर मारा जाएगा तो जो नीचे का पेंट है उसके ऊपर जब हम दूसरा पेंट करेंगे तो वो पकड़ बना लेगा। तो इसलिए जो है गाड़ी के अंदर पेंट करने से पहले रफ मारा जाता है, और एक रफ तब मारा जाता है जब गाड़ी पेंट हो जाती है, वो इसलिए मारा जाता है कि उसके बाद हमने रबिंग करनी होती है, और अगर जैसे ओपन में हम पेंट करते हैं कोई डस्ट वगैरह आ जाती है तो रफ मारने के बाद वो डस्ट कट जाती है, और गाड़ी की जब रबिंग करी जाती है तो वो बिल्कुल बवाल लगने लग जाती है, यानी कि चमक अच्छी उठती है। हालांकि जब क्लियर मारा जाता है शाइनिंग तब भी अच्छी आती है, और लेकिन यह है कि जब वो पेंट गीला होता है तो ज़्यादा अच्छी शाइनिंग लगती है, लेकिन जब सूख जाता है तो रबिंग के बाद शाइनिंग और ज़बरदस्त आने लग जाती है और सब कुछ बढ़िया लगता है। तो बस यही काम है जो हम आपको दिखाते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप जब इसके ऊपर पट्टी का प्रोसेस चालू किया जाएगा। गाड़ी थी टाटा की टाइगर,
और गाड़ी बहुत बढ़िया है और सॉलिड भी है, मगर बताते हैं कि टाटा की थोड़ी सर्विस में दिक्कत है, इसलिए लोग बाहर कोई सर्विस के लिए परेशान होता है तो कोई डेंट पेंट के लिए। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करते और सारा काम आपको दिखाते रहते हैं, चाहे वो डेंटिंग पेंटिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो और चाहे कुछ भी हो। तो दिखाते हैं अब इसका अगला स्टेप, तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो। तो गाइज अब गाड़ी के अंदर जो है पट्टी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसको हमने छोड़ रखा है सूखने के लिए। तो अब ये थोड़ी देर बाद जो है पट्टी सूखेगी और सूखने के बाद इसकी कटाई करी जाएगी और मैं आपको दिखाऊं कि डोर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी पेंट करने से पहले डोर को रफ़ कर लिया जाता है ताकि जो हमने पट्टी इसके अंदर भरी है, बॉडी पिलर भरा है, उसकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत रहे। और अब इसके ऊपर अस्तर मारा जाएगा जिससे कि होगा क्या कि जो हमने पट्टी भरी है तो ये एनसी पट्टी होती है, कई बार ये पेंट को सोख लेती है जिसकी वजह से चमक ढल पड़ जाती है। तो इसी के लिए ऊपर इसके ऊपर अस्तर मारा जाता है जिससे जो पट्टी है ये पेंट को सोख ना पाए और चमक ढल ना हो पाए। तो अब फिलहाल ये पट्टी का प्रोसेस था, अब आगे आगे जैसे अस्तर डलेगा वो भी दिखाएंगे और फाइनल पेंट की तो आपको वीडियो सारी दिखानी है, तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, पट्टी हमारी सूख रही थी और अब माथुर जी यानी कि हमारे मान सिंह जी आ चुके हैं, इनको प्यार से हमने निकनेम जो है मान सिंह जी को माथुर जी दे रखा है। तो हमारा इनका एक डायलॉग भी है, जनाब झेलो, अच्छा लगे तो ले लो। तो फिलहाल ये कलर बना रहे हैं मान सिंह जी, कौन सा कलर है ये? एरिजोना ब्लू। और भाई मैचिंग थोड़ी खतरनाक सी यानी कि बढ़िया वाली कर देना, जो किसी को पता भी ना चले कि गाड़ी में कुछ हुआ भी है, क्योंकि भैया पूछ रहे थे जब गाड़ी पेंट करी जाएगी तो कुछ अलग अलग तो नहीं दिखेगा, 00 रहेगा ना सब कुछ। तो मैं कसम है काली चुड़ैल की अगर पेंट में फ़र्क आया तो। तो चलो भाई ये पेंट मैचिंग का प्रोसेस चल रहा है, पेंट मैच का मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या होता है कि जो गाड़ी का कलर होता है तो पहले मशीन से ये अपने कंप्यूटर पे पेंट बना लेते हैं और उसके बाद कुछ अगर 19-20 रह जाता है तो यहाँ पर पानी डाल के या क्लियर लगा के या किसी भी तरीके से इसको कलर को मैच कर लेते हैं, कुछ 19-20 होता है, तो उसके बाद बाकी काम हमारे पेंटर का यानी कि राजा का है, वो इसके ऊपर मारेगा और मार के इसको ओके कर देगा। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए थी, तो बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब दिखाते हैं इसका अगला स्टेप जब इसकी पट्टी कटाई करी जाए। तो गाइस जो पट्टी भरी थी वो कट गई है और कटने के बाद पैनल इस तरीके से लग रहा है, पट्टी इस तरीके से दिख रही है जहाँ जहाँ पे स्क्रैच था और जो इधर बम्पर में एक डेंट पड़ रहा था मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये डेंट भी यहाँ से निकाल दिया गया है, तो ये पूरा प्रॉपर शेप में आ चुका है अपना। और अब जो है बारी है इस पे अस्तर मारने की, उससे पहले करी जाएगी इसकी मास्किंग, तो वो चीज़ भी आपको दिखानी है। तो जैसे और इधर डोर की शाइनिंग बिल्कुल डल हो चुकी है और इस डोर पे चमक आ रही है, पेंट करने से पहले यही सब किया जाता है कि पैनल को बिल्कुल डल कर दिया जाता है ताकि वही बात कि पकड़ पेंट की मजबूत हो जाए। तो अभी और दिखाता है आपको इसका अगला स्टेप जब इसकी मास्किंग होगी, तब तक दूसरी गाड़ी आएगी उसको भी। तो गाइस गाड़ी की मास्किंग हो चुकी है, पेपर से हमने इसको ढक दिया है, जहाँ जहाँ पे रंग लगना है बस वो एरिया छोड़ दिया। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, पेंट तो कोई भी कर लेगा लेकिन मास्किंग करना, सफाई से पूरी चीज़ों का ध्यान देना वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब इसकी एक एक चीज़ हमने इधर से पट्टी, इधर ये मोनोग्राम हैंडल के ऊपर की ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें हमने इधर से ये ढक ली है, इधर से मोनोग्राम तो ये भी ढक लिया है। अगर गाड़ी पूरी पेंट होती है तो फिर ये हम निकाल देते हैं और बिडिंग की साइड की निकाल देते हैं ताकि कोई भी निशान ना रहे, क्योंकि अगर ये चीज़ें रहेंगी और इसके ऊपर पेंट मारा जाएगा तो जब बिडिंग हटेगी और ये मोनोग्राम हटेगा तो निशान दिखेगा, लेकिन अगर ये एक बार उतर जाता है तो वापस दोबारा सही से चिपकता भी नहीं है, इसके बाद फिर इसको नया ही लगाना पड़ता है। तो इसलिए जब एक दो पीस होते तो हम ये चीज़ें नहीं उतारते। तो फिलहाल ये पूरा एरिया हमने कवर कर लिया, यहाँ से ढक लिया है, क्योंकि जब पेंट मारते तो फुहार इसी तरीके से उड़ के पहुँचती है, और इधर से भी सारा ढक लिया गया है। तो अब अस्तर की शुरुआत करी जाएगी, इसमें अस्तर मारा जाएगा, तो वो भी दिखाते हैं कि गाड़ी कलर कैसे चेंज होगा, और फिर उसके बाद बारी रहेगी टकोरे चेक करने की, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता रहता है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी के ऊपर अस्तर मार दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सूखने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर टकोरे चेक करे जाएंगे पट्टी के, कि कहीं अगर स्क्रैच है तो उसको चेक कर लिया जाएगा और फिर उसको बाद में काटा जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर सीधा इसके ऊपर ऐसे ही रफ लगेगा, और रफ लगने के बाद में फिर
पेंट का आगे की जो कार्रवाई है वो पूरी करी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ तक पहुँच चुकी है हमारी गाड़ी और धीरे धीरे शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई है, तो जब फाइनल भी होगी तब भी आपको दिखाएंगे और एक दो शॉर्ट वीडियो बना के और डालेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना और ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से गाड़ी का काम किया जाता है। फाइनल पेंट इसके अंदर डलना चालू हो चुका है, तो पहले इसके ऊपर रंग डाला जाएगा, डाला जा रहा है, और उसके बाद फिर इसमें क्लियर लगेगा। तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार और दिखाते हैं आपको। अभी टाटा टाइगर गाड़ी जो थी वो हमारी पेंट हो चुकी है, शाइनिंग आपके सामने है और कलर मैचिंग का जैसे कि हम बताते हैं हर बार, तो आपको ये भी दिखा देते हैं। ये जब पेंट थोड़ा सा गीला होता है तो शाइनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी निकलती है। तो फिलहाल जो पुराना गाड़ी का जो पुराना कलर है वो हमारे पेंट की चमक के आगे धुंधला पड़ रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तब फिर ये रबिंग के बाद सेम ऐसी हो जाएगा जैसा कि होना चाहिए। तो पेंट मारते हुए मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो फिलहाल जो है अब इसका जब पेपर हटाएंगे तब आपको दिखाते हैं एक बार। फाइनली हमारी गाड़ी जो है टाटा टाइगर जो गाड़ी थी वो पेंट हो चुकी है और गाड़ी का कलर आपके सामने है। हमारा कलर ज़्यादा खिल रहा है और जो गाड़ी का कलर है वो थोड़ा कम खिल रहा है क्योंकि पेंट गीला है, और अगर इसके ऊपर भी हम क्लियर मार देते तो ये बिल्कुल सेम हो जाता है, बाकी रबिंग के बाद ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जैसे जैसे इसमें काम हुआ सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि किस तरीके से हमने डेंटिंग करी, किस तरीके से पेंटिंग करी, कैसे हमने मास्किंग करी। और मेन क्या होता है, डेंटिंग पेंटिंग कोई भी कर लेगा, मेन काम होता है मास्किंग का, ताकि जो पैनल हम पेंट कर रहे हैं और वो कोई बंदा देख के जल्दी से ना बता पाए कि ये पेंट हो रखा। और पेंट पकड़ा कैसे जाता है कि कहीं भी दरवाजे के कोने पे पेंट लगा होगा, हैंडल पे पेंट लगा होगा, किसी बिटिंग पे पेंट लगा होगा, तो उससे गाड़ी पकड़ी जाती है कि गाड़ी पेंट हो रखी है। लेकिन हम जब अपना काम करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल खास ध्यान यही रखते हैं कि एक एक चीज़ हमें प्रॉपर ढकनी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो फाइनली ये गाड़ी कंप्लीट हुई। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।